भाई मैं जरा लड़खड़ा जा रहा हूँ, कहीं भी तो जरा संभाल लेना भाई, जरा कमेंट्स में गालियाँ वालियाँ नको दियो मेरे भाई। सुने, उसने गुलामों का अंजाम लिख भेजा, मैंने पूछा आज उसकी तो कल तुम्हारी बारी है। उसने सौदागरों की यही औकात है लिख भेजा। क्या भाई दम है नहीं है? अरे कुछ हम भी रखते हैं भाई शेर शायरी कि कल जो है सो नामपल्ली के अंदर ये मुशायरा हो रहा, यहाँ पर कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो सकता था, थोड़ी सी चूक हो गई बोलकर बता रहे। तो मैं इमरान प्रतापगढ़ी और उनके चमचों से ये पूछना चाहूँगा, इमरान प्रतापगढ़ी ये चूक किसके बारे में बोल रहे, किस चीज़ के बारे में ये चूक बोल रहे? आज का ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये है कि इमरान प्रतापगढ़ी शेर शायरी में बहुत माहिर है, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, आप तमाम को ही मालूम है, मगर उन्होंने ए टीम से बी टीम हो गए जो लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे, उनके खुद के खायद महाराष्ट्र के सीएम उनके ऊपर कोई शेर शायरी नहीं बोले उन्होंने, जबकि उन्होंने अकबरुद्दीन अवैसी साहब रुकन चंद्रायन गुट्टा एमएलए ऊपर शेर शायरी करके उन्होंने शोहरत हासिल करे, बहुत नाम हो गया उनका अल्हम्दुलिल्लाह। आज एमआईएम के ही वोटों की वजह से उन्होंने आज एमपी है, ये भी भूल गए उन्होंने, मगर इनके पास बहुत जबरदस्त हुनर है तलवे चाटने का, जबरदस्त इनके ऊपर भी कुछ नज्म कुछ शेर शायरी हो जाए बोलो मैं भाई, जरा टूटा आदमी हूँ जरा संभाल लेना। उनकी शान में इमरान प्रतापगढ़ी की शान में कुछ शेर शायरी कुछ नज्म हो जाए, हैदराबाद की आवाम मेरी पसंद करेगी, मेरे को उम्मीद है इंशाल्लाह। अगर मेरे से कुछ गलती हो गई या कहीं भी मैं रुक रहा हूँ तो संभाल लेना मेरे भाई, हमेशा से आप तमाम जमात को संभालते आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जमात आप तमाम की दुआओं की वजह से आज मजबूत है और सुबह क़यामत तक इंशाल्लाह मजबूत रहेंगी। ऐसे लोग जो जमात को बी टीम बोलने वाले आल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को, आज इनके खुद के कायदीन बी टीम हो गए, बीजेपी में चले गए तो कोई बोलने वाला नहीं है, कोई शेर शायरी करने वाला नहीं है, आज इनके तलवे चाटने वाले इनका हुनर, आज इनका मुँह बंद है। आज ये तमाम आप तमाम भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे, मैं मेरी तरफ से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप तमाम को ही मालूम है कोई शेर शायरी नहीं आई, समझे, कुछ नज्म कुछ शेर शायरी मैं भी बोलना चाह रहा हूँ, सुनिए आप लोग। मैंने इमरान को सलाम लिख भेजा, मिल्लत का हाल तमाम लिख भेजा, मैंने पूछा एमपी कैसे बने हो, सुने मेरे भाई, मैंने पूछा एमपी कैसे बने हो, उसने तलवे चाटने का हुनर लिख भेजा। दम है भाई नहीं ये बोला आप लोग, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मेरे को ज़रा संभाल लेना। उसने तलवे चाटने का कलाम लिख भेजा, मैंने पूछा मसीहा किसको लिखोगे, उसने जो दाम ज्यादा देगा उसका नाम लिख भेजा। भाई दम है नहीं है बोला, अरे कुछ जरा हम भी रखते भाई कुछ है नहीं, बोलो आप लोग। उसने दाम लिख भेजा, मैंने पूछा शायरी खूब करते हो, उसने वोट मांगने का हुनर लिख भेजा। भाई दम है नहीं है बोलो जरा आप लोग, वोट मांगने का हुनर लिख भेजा, सही है भाई, सही है गलत है बोलो। मैंने पूछा पार्लियामेंट में खामोश रहते हो, उसने साथ जाने का खौफ लिख भेजा। मैंने पूछा गुलाम नबी को नाहल क्यों किया गया, उसने गुलामों का अंजाम लिख भेजा। भाई दम है नहीं है बोलो आप लोग, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो ज़रा संभाल लेना मेरे भाई। पब्लिक ऐसी है हर किसी को उठाती हर किसी को बिठाती, भाई मैं ज़रा लड़खड़ा जा रहा हूँ, कहीं भी तो ज़रा संभाल लेना भाई, ज़रा कमेंट्स में गालियाँ वालियाँ नको दियो मेरे भाई। सुने, उसने गुलामों का अंजाम लिख भेजा, मैंने पूछा आज उसकी तो कल तुम्हारी बारी है।
उसने सौदागरों का सौदागरों की यही औकात है लिख भेजा। क्या भाई दम है नहीं है? अरे कुछ हम भी रखते हैं भाई शेर शायरी, कुछ नज़म हम भी बोल लेते। मुखालिफिन को जवाब दे दे के थक गए, अब जरा कुछ शेर शायरी कुछ नज़म हम भी जरा बोलेंगे बोल के बोल दिए भाई। क्या बोलते हैं इमरान प्रतापगढ़ी, हम भी शेर शायरी का हुनर रखते लेकिन तुम्हारा अंदाज अलग है, जरा हमारा कुछ अंदाज ऐसा है, जरा सीखते सीखते हम भी सीख जाएंगे इंशाल्लाह और बोलेंगे तुम्हारे पे शेर शायरी। खाली MIM के ऊपर उंगली उठा के शेर शायरी बोलेंगे, बी टीम हम कुछ बोलेंगे खाली। अब बनाओ ना तुम्हारे बी टीम तलवे चाट रहे अब, गुलामों का हुनर लिख भेजा, समझ रहे ना वो है तुम, समझे ना, नाहल इंसान जाहल कुंदे ना तराश, वो सब तुम्हारे पे फिट बैठता। दोबारा अगर बी टीम बनाएंगे हमारी जमात को इंशाल्लाह ऐसे कई और शेर शायरी वो भी सुनाएंगे तुम्हारे को आगे चल के इंशाल्लाह ताला। कि कल जो है सो नामपल्ली के अंदर ये मुशायरा हो रहा, यहाँ पर कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो सकता था, थोड़ी सी चूक हो गई बोलकर बता रहे। तो मैं इमरान प्रतापगढ़ी और उनके चमचों से ये पूछना चाहूँगा, इमरान प्रतापगढ़ी ये चूक किस के बारे में बोल रहे, किस चीज़ के बारे में ये चूक बोल रहे? चूक या इनसे हुई या इनकी पार्टी से हुई या चड्डी गैंग के मेम्बरों से हुई? बोलने का मतलब ये है कि चूक कहाँ पर हुई? चूक क्या मुरादाबाद के 2019 के इलेक्शन में हुई थी पार्लियामेंट के, या चूक जो है सो इन लोगों को MLC देने में, या मुसलमान कैंडिडेट को जिताने में, या जो है सो किसी मुसलमान को MLC देकर मिनिस्टर बनाने में चूक हुई? उनसे सवाल मेरा ये है, चूक आखिर किससे हुई? आपसे हुई या आपकी पार्टी से हुई जो मुसलमानों को जो है सो ना जिता सके, ना मुसलमान को किसी मिनिस्ट्री किसी को दिला सके MLC बनाकर, ना तेलंगाना से राज्यसभा मेंबर का नॉमिनेशन किसी दूसरों को करे, कोई मुसलमान को भी कर सकते थे। तो चूक किससे हुई, आपसे हुई या आपकी पार्टी से हुई, मेरा सवाल ये है। और कल तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये वो बोलकर अपनी शोहरत कमाई, इनके उस्ताद मोहतरम अशोक चौहान जो साबिका में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, उनसे सवाल नहीं करे, मजलिस से सवाल करते आकर, उनसे सवाल करना था अशोक राव चौहान से, कहाँ कांग्रेस से कहाँ चूक हो गई जो आप BJP में शमूलियत इख्तियार कर लिए, BJP का दामन थाम लिए। कल तक मजलिस को बी टीम बोलते थे, मुसलमानों से लाड़ा करते थे अशोक राव चौहान, आज जो सो BJP में शामिल हो गए, तो तुम्हारे से और तुम्हारी पार्टी से कहाँ चूक हुई जो अशोक राव चौहान BJP का दामन थाम लिए? तो उसके बारे में चर्चा करो और उसका जवाब दियो। दूसरी चीज और तुम्हारी बोलने की बात, तुम जो है सो एक अच्छे गवैया है, अच्छे जो है सो शायर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हारी शायरी से मुसलमानों को गुमराह करने की बो आ रही, तुम्हारी शायरी से मुसलमानों को गुमराह करने की बो आ रही है, इसलिए कि जो है सो तुम बड़े सस्ते में कौम का सौदा करते हो। जो 70 साल से कुछ नहीं करे वो आज आकर तुम बताते हो कि इन्होंने ये किया था, उन्होंने वो किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या करा बोलकर कल। और जो है सो आते हो हैदराबाद की तरफ, आकर जो है सो यहाँ की बिरयानी खाते हो, यहाँ की ईरानी चाय पीते हो, और उसी हैदराबाद को बदनाम कर डेवलपमेंट नहीं हुआ बोलकर चले जाते हो। कभी जहाँ पर रहते हो वहाँ के बारे में, जहाँ 70 साल आपकी जो है सो शहर है, वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में कभी बात नहीं करे, यहाँ पर अच्छे माहौल को ख़राब करने के लिए, कौम को जो है सो गुमराह करने के लिए बड़े बड़े तरीक़े से जो है सो अपने शायरी अंदाज में, अपने शायराना अंदाज में कौम को जो है सो जुमले मार कर गुमराह कर चले जाते हो चाय पी कर। तो मेरा बोलने का मतलब और मकसद ये है कि ऐसे लोगों को पहचानिए, ऐसे लोग जो है सो अपनी खुद की ज़ाती ज़िंदगी संवारने के लिए नाम और दौलत और शोहरत के लिए कौम को बेच देते, कौम को जो है सो गुमराही में डाल कर अपना मुस्तकबिल सही कर देते।